तो हाय दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में, इवनिंग ब्लॉग में। और दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है और ये हो कैसे गया। हमको भी जब ये पता चला दोस्तों, हम भी सोचने पर मजबूर हो गए, मतलब ऐसा हो कैसे गया। और आप भी जब ये सुनेंगे तो एक बार सोचेंगे कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हम आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आपके मन में जो भी विचार हो, आपके मन में जो भी सवाल हो, उसको आप कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक यूट्यूब का बहुत ख़तरनाक अपडेट आया है। वैसे तो हमारा ये टेक चैनल नहीं है, ना तो हम ज्ञान बांटते हैं, लेकिन हमारे जो भी यूट्यूबर भाई लोग हैं उनके लिए अपडेट बहुत ही ज़रूरी है, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, खासतौर पर उनके लिए। जिनका मोनेटाइज हो गया उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। हम अपने माध्यम से हम बता देते हैं जो भी हमको नई नई जानकारियाँ मिलती, ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं और आप लोग ऐसी गलती ना करें। क्योंकि एक चैनल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर वो चैनल आपके हाथों से निकल जाए या कुछ दिन के लिए उस पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। तो दोस्तों, बात हम करेंगे सबसे पहले प्रीति और सूरज की। मॉर्निंग ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, कुछ नई जानकारियाँ निकल के आई हैं जो हमारे माध्यम से आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीति अपने घर गई हैं, सूरज अपने घर गए हैं, और कई मैटर पे विवाद उठा है। जैसे कि पहला विवाद तो प्रीति को लेकर के उठा है कि प्रीति अपने मायके गई हैं, लेकिन जब से वो अपने मायके गई हैं तब से वो सिंदूर नहीं लगा रही हैं। अब सिंदूर की कीमत क्या होती है, एक महिला ही जान सकती है। तो सरिता मैडम पहले बताएँ कि सिंदूर की कीमत क्या होती, बाकी बातें आगे करते रहेंगे। ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें करने वाले हैं हम आपसे। दोस्तों, क्या बताएं, कितने अगले ब्लॉग में भी बोले थे कि औरत का हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर मेन होता है। मंगलसूत्र तो शौक से लोग पहन रहे हैं, लेकिन हम लोग का सिंदूर ही मेन रहता है, पैर में बिछिया और मांग में सिंदूर, चाहे कुछ हो या ना हो, कोई जेवर ना हो, लेकिन मांग में सिंदूर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्रीति हमारा वीडियो देख रही है तो अब से आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपने पता नहीं क्यों नहीं लगाया था, आपके ऊपर सवाल उठने लगे थे। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बातें, अब इसके आगे बात करेंगे। सूरज गए हैं अपने घर, अपने घर गए हैं तो उनकी मम्मी जी क्या कहते हैं, प्रीति की मम्मी क्या करें, ये भी आपको बताएंगे। तो सूरज की मम्मी का साफ तौर पर कहना है कि अगर तुम मंदिर में शादी कर लिए हो तो हम ऐसी शादी को नहीं मानते हैं कि जो माता पिता की बिना मर्जी के जाके दो लड़का लड़की कहीं मंदिर में शादी कर लें। सूरज की मम्मी इस शादी को मान्यता नहीं दे रही। साथ साथ सूरज के रिक्वेस्ट करने पर वो इस बात के लिए राजी हो गई हैं कि ठीक है, हम प्रीति से तुम्हारी शादी करवा देंगे, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाएगी, सूरज के दो बहनें हैं, जब तक उनकी दोनों बहन की शादी नहीं हो जाएगी तब तक तब तक प्रीति सूरज के घर में नहीं आ सकती हैं। बहनों की शादी होने के बाद सूरज की शादी प्रीति से होगी, अरेंज मैरिज, उनके घर पे बारात जाएगी बैंड बाजा के साथ, शादी करके लेके आएंगे सूरज, तब उस दिन प्रीति सूरज के घर में अपना कदम रख पाएंगी। तो दोस्तों, सोचिए कि प्रीति को कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या ये सूरज की माता जी का निर्णय आप लोगों को क्या सही लगता है? सूरज किसी भी तरह का विरोध नहीं करते हैं कि ठीक है, हम शादी कर लिए, हम ला के उसको घर में रखेंगे, आपको जो करना है करिए, घर में मेरा हिस्सा होता है। मतलब कहने को बहुत बातें हैं, समाज से नहीं तो कानून से दोनों बालिक हैं, अगर सूरज चाहे तो ज़बरदस्ती उसको अपने घर में ले जाके रख सकते हैं, माता पिता कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सूरज की मानवता है कि सूरज एक तरफ पति का भी फर्ज निभा रहे हैं, एक तरफ बेटे का भी फर्ज निभा रहे हैं। उसके बाद सूरज कहते हैं कि ठीक है, कब तक, उनकी मम्मी का जवाब है चाहे 4 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, अगर तुमको रहना है तुम बार बार लेके रहो, लेकिन इस घर में वो लड़की तभी कदम रखेगी जब हम दोनों बेटियों की शादी कर देंगे और उसके साथ अरेंज मैरिज करवा देंगे, और कुछ भाईदान दहेज तो चाहिए करेगा। तो सूरज इस बात पे भी राजी हो गए हैं। तो दोस्तों बताइए, सूरज ने जो भी कदम उठाया है आपकी नज़र में क्या सही लगता है कि गलत लगता है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब प्रीति के घर वाले क्या कहते हैं, प्रीति की मम्मी क्या कहती है? प्रीति की मम्मी तो एकदम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो रही है? दोस्तों, प्रीति की मम्मी को आप गलत मत समझिएगा, जिस लड़की के मांग में सिंदूर पड़ गया, पूरा गांव, पूरा नात बात, पूरा मोहल्ला, पूरा यूट्यूब जान गया कि उस लड़की की शादी सूरज के साथ मंदिर में हो चुकी है, फिर वो लड़की अपने मायके में जाकर के 5 साल इंतजार करेगी, कौन से माँ बाप बर्दाश्त करेंगे? और यहाँ अगर के सूरज प्रीति के माँ बाप चाहें, प्रीति के माँ बाप चाहें तो सूरज के माँ, सूरज के पापा कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं
अभी इसका इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अभी ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। जो कहना है उनकी मम्मी कह रही हैं, जो कहना है उनके पापा कह रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि कानून नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आप हद से ज़्यादा इन बच्चों को टॉर्चर करेंगे, हद से ज़्यादा इन बच्चों को आप परेशान करेंगे, हद से ज़्यादा अगर इन लोगों को समाज में रहने नहीं देंगे, अगर इन्होंने कहीं कानून के दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी कचहरी, कोई भी सूरज और प्रीति को अलग नहीं कर सकता है, जब तक वो खुद से अलग ना होना चाहे तब तक। तो प्रीति की मम्मी साफ साफ कहती है कि तुमको हमारे घर पे रहना ही नहीं है, तुम जाओ सूरज के घर पे। जब तू शादी कर ली हमसे बिना बताए, हमारी हर तरफ बेइज्जती हो गई, नात बात सब लोग जान गए, तो हम तुमको आई हो नात बात की तरह दो चार दिन रहो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, सूरज के घर जाओ, सूरज जाने, सूरज का काम जाने। तो दोस्तों बताइए, प्रीति की मम्मी का भी फैसला कहाँ गलत है? अब इस कहानी में किसको गलत बनाया जाए, किसको सही बनाया जाए, क्या हो रहा है, आज का निर्णय तो मैं खुद नहीं ले पा रहा हूँ। प्रीति की मम्मी को गलत तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि लड़की और लड़के में कितना फ़र्क होता है। लड़की और लड़के में इतना फ़र्क होता है कि जो बची बचा इज्जत है, अगर एक साल भी अगर प्रीति अपनी मायके में रह जाएगी तो समाज उनको जीने नहीं देगा। छः महीना का महीना भर के बाद समाज उनको नहीं जीने देगा। अगर वो नॉर्मल इंसान होते तो चल जाते, लेकिन वो एक यूट्यूबर है, उनको 1500 का 10 लाख लोग जानते हैं, तो वीडियो बनना कल से स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा ऐसा वीडियो आएगा कि वो टॉर्चर होंगी, परेशान होंगी, दिमाग खराब होगा। और आदमी जब टॉर्चर होता है, समाज का ताना बोली सुनता है, जब परेशान होता है, तो कभी कभी ऐसे कदम उठा लेता है कि हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप लोग इशारे में समझ जाइए कि जो घटना आज से 2 महीना 3 महीना पहले हुई थी, वो घटना फिर से दोहराई जा सकती है। हम ही आप उनको परेशान करेंगे, हम ही आप उनको परेशान करेंगे, गांव के लोग परेशान करेंगे, गांव के लोग ताना मार के परेशान करेंगे, हम लोग वीडियो बना के परेशान करेंगे। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, और आप बताइए कि क्या निर्णय निकलना चाहिए, क्या रास्ता निकलना चाहिए। दोस्तों हमने एक बार सोच के बताइए। नहीं, हम सोच के बता रहे हैं। बताओ, कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारी बात कड़वी लगेगी थोड़ा, लेकिन जब सूरज अपने दम पे शादी किए हैं, माँ बाप के कहने पे नहीं किए हैं, दोनों अपने मर्जी से किए हैं और दोनों कमाते खाते हैं, अपने दम पे भाई पे लेकर रहे हैं, जब तक बहन का शादी नहीं हो रहा, कुछ कमा के माँ बाप को भी दें और अपना परिवार भी देखें, दोनों जगह का इज्जत बना रहेगा। इज्जत इन लोग के हाथ में है, क्या जरूरत है? अरे तो सूरज प्रीति को अपने घर ले जाना चाहते हैं, बात यहाँ फंस रही ना उनकी। तो पहले सोचना चाहिए कि माँ बाप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, अपने दम पे शादी की, अपने दम पे रखें। तो अपने दम पे तो रखा ही, लेकिन घरवा नहीं जाने दे रहे हैं। जाएंगे घर पे कोई माँ बाप नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, सरिता मैडम की राय आपको कैसी लगी, और कौन इस कहानी में गलत है, कौन इस कहानी में सही है, किसको क्या करना चाहिए, आप भी अपनी इच्छा से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी घाव पूजा ही नहीं, उससे पे और घाव कर दे रहे नमक। दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई है कि एक मिनट ही बाबू परेशान कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि जब से ये लोग शादी किए हैं ना, तब से इन लोगों को मतलब इतना ज़्यादा कुछ हो गया है कि सब लोग परेशान हो गए, फोन पे कॉल, FIR, भागना, लुकना, छिपाना। अब ये सारा मैटर हुआ तो मैटर दोनों गार्जियन के हाथ में पहुंच गया है। गलती तो यहाँ ये लोग किए हैं कि अगर ये लोग अपनी मर्जी से शादी कर ली, कम से कम 6 महीना साल भर इन लोगों को एक साथ रहना चाहिए था। ऐसा नहीं, दोनों लोग पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, दोनों लोग यूट्यूब से ही पैसा कमाते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो कुछ दिन इन लोगों को एक साथ रहना चाहिए था, जब धीरे धीरे मैटर शांत हो जाता तो कोई कदम। अब इसी कहते हैं लोहा गर्म है उसी पे आप लोग हथौड़ा मार रहे हैं, जख्म भरा नहीं उसी पे नमक छिड़क रहे हैं, तो भैया भो भैया करेगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारा ब्लॉग, कैसी लगी हमारे बातें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो यूट्यूब का एक ख़तरनाक अपडेट है, अब वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बता देंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। चलिए बाय बाय, जय श्री राम।